वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से इस वक्त बात हो रही है कि इस वक्त इंतहाबात की, और इंतहाबात में वोटर लिस्टों की बहुत अहमियत है, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस जेर समात है। तहरीक इंसाफ की तरफ से पिटीशन दायर की गई है और कि वोटर लिस्टें जो है उनको शफाफ बनाने के लिए इकदाम किए जाएं, और इलेक्शन कमीशन ने अभी पहली बार ये मौकफ इख्तियार किया है कि इस वक्त शफाफ वोटर लिस्टों पर ही इंतहाबात मुनक्किद किए जाएंगे। इनका तरीकेकार क्या होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर दिलशाद साहब। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि अभी इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट टाइम ये अपने जो दलाइल दिए हैं वहां पे, और ये कहा है कि वोटर लिस्टें जो है वो शफाफ तैयार कर ली जाएंगी, और जो अब नए इंतहाबात होंगे वो नई वोटर लिस्टों पर होंगे। इससे पहले तो ये कहा गया है कि मई तक वोटर लिस्टें तैयार नहीं हो सकती, तो अभी किस हिकमत अमली के तहत इलेक्शन कमीशन ने ये मौकफ दिया होगा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नादरा के से मशावरत करने के बाद ये अपना मौकफ दिया है कि चूंकि नादरा उन इलाकों में उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में उस हलके में जहां ये इंतखाबात होनी है 6 सीटों पर, तो वहां वो अपने इंतखाबी फरिश्ते प्रायोरिटी बेस पर जो है वो नजरसानी करके उनको मुकम्मल कर देगा। तो जाहिर है ये 6 हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं, तो 6 हलकों की इंतखाबी फरिश्तों को दोस्त की कोई इतना बड़ा काम नहीं है, तो नादरा और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन मिलकर 6 हलकों में सबसे पहले अपने इंतखाबी फरिश्तों को नजरसानी करवा के, अपडेट करवा के, जहां जहां उनके रिप्लेसमेंट करनी है पुराने शाख्ती कार्ड की, वो मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गई बात है कि ये कुछ जिमनी इलेक्शन कुछ हलकों में होने हैं वहां की बात हो गई है, लेकिन अगर आम इंतहाबात की बात की जाए, अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब यह है कि वो तो मई में ही उनकी वोटर लिस्ट तैयार होंगी। नहीं, बाकी दुरुस्त है, बाकी जो मामला चले जा रहे हैं वो इस लिहाज से कि जो बाकी पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 25 मई तक अपने इंतखाबी फरिश्ते जो है वो नजरसानी करवा के और अपडेट करके और तमाम उसमें जितनी भी गलतियां और खामियां वो दुरुस्त कर लेगा, वो 25 मई तक है। लेकिन ये 6 सीटें हैं जहां इन्होंने बाई इलेक्शन करवाने, तो 6 हलकों में इंतखाबी फरिश्तों को अपडेट करना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसको इलेक्शन कमीशन नादरा मिलकर ये काम कर रहा है, वो करवा देंगे, वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्म की पाबंदी हो जाएगी। अच्छा, ये तो तकमील हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ये भी हुक्म है, काफी बार आया है और इलेक्शन कमीशन को दिया गया है कि टाइम फ्रेम भी दिया गया कि इस डेट तक जो लिस्टें हैं वो तैयार कर ली जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिले किया गया है, या फिर उनके पास वक्त नहीं है, या कुछ और वजूहत है, वो वजूहत क्या हो सकती है जिनकी वजह से अभी तक वोटर लिस्टें तैयार नहीं हो सकी? नहीं, वो मैं आपसे गुजारिश करूँ, कोई वजूहत नहीं है, चूंकि पूरा पाकिस्तान एक कंफ्यूजन का शिकार है और एक दूसरे पर एतमाद जो है करने का फुकदान है। दरअसल बात ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और नादरा मिलकर काम कर रहा है, 3.5-4 करोड़ वोटर जो पुराने शनाख्ती कार्ड के तहत बने थे उसकी जगह नए शनाख्ती कार्ड की रिप्लेसमेंट हो रही है, और उसके साथ साथ ये भी बड़ा बराना है कि मर्दमशुमारी भी शुरू हो गई थी और मर्दमशुमारी का अमला इलेक्शन कमीशन के साथ काम कर रहा था, इसकी वजूहत की बना से डिले हुआ है। अभी 23 फरवरी की बजाय 25 मई तक भी मुकम्मल हो जाए तो इसमें कोई देरी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है वो चूंकि इस लिहाज से वो ऑर्डर जारी करता है ताकि कोई मशीनरी जो है वो कुताही का शिकार ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान निगरानी कर रहा है, उस निगरानी की वजह से पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन इतनी तेजी से काम कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान दरमियान में ना आता तो मुमकिन है कि नादरा इसमें और 6 माह लगा जाता, तो ये जाता है क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर अपना दबाव जारी रखा और उसकी बना पर हमारी लिस्ट जो है ये अगर 23 फरवरी को नहीं होती तो मई में कम हो जाएगी, और जहां 22 इलेक्शन हो रहे हैं वो पहले मरहला इन्होंने वादा कर लिया है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। जहां पर मैं सेक्रेटरी रहा हूँ मुझे पता है तमाम तरीकेकार का। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाह साहब अपना मौकफ देने के लिए, अपनी राय देने के लिए कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने अगर कमिटमेंट की है सुप्रीम कोर्ट के साथ के वो जिमनी इलेक्शन जो अब होने जा रहे हैं कुछ हलकों में वो नई वोटर लिस्टों पर होंगे, और इसके लिए नादरा के साथ इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ये हिकमत अमली तरतीब दी है। इलेक्शन कमीशन ने नादरा के साथ ये प्लानिंग करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना ये मौकफ अपनाया है, और उनका कहना है कि इतने हलकों में जिमनी इंतहाबात करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आम इंतहाबात जो है वो 25 फरवरी तक उनकी लिस्टें कंप्लीट कर ली जाएंगी और उसके बाद ही आम इंतहाबात होंगे। प्रोग्राम में वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।